Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 3 हम स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 3 में हम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कोवेरियंस को पेयर बेस्ड, यानी दो अगर हमें क्या दी हुई हो, दो अलग अलग डाटा सीरीज दी हुई हो तो उनके बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि उनकी वेरिएबिलिटी क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये हमने क्वेश्चन किए थे थ्योरी के अंदर, हमने समझा था. अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 में हमें दिया हुआ है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट व्हिच ग्रुप इज मोर वेरिएबल ए और बी. यहां पर हमें मार्क्स का डाटा दिया हुआ है, दो ग्रुप, एक ग्रुप ए का एक ग्रुप बी का, और ये जो है क्लास डाटा हमें दिया हुआ है. तो ग्रुप ए ग्रुप बी में हमें बताना है कि कौन ज्यादा वेरिएबल, तो उसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, उसके लिए आप निकालेंगे इनका कोवेरियंस, या आप स्टैंडर्ड डेविएशन से भी बता सकते हैं, तो वो निकालेंगे हम. एंड देन इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा वाला ग्रुप ज्यादा यहाँ पर वेरी करता है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ग्रुप ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकालता हूँ, ग्रुप बी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकालता हूँ, एंड सो ऑन मैं यहाँ पे बताऊंगा. नाउ स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. सी फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर अगेन सबसे पहले मैं ग्रुप ए के लिए स्टार्ट करता हूं. तो ग्रुप ए के लिए अगेन इनके जो मार्क्स रहेंगे, यानी क्लास तो दोनों के लिए सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है. तो ग्रुप ए के लिए मार्क्स जो है, जैसे मुझे गिवन है, ये मैं मार्क्स लिख देता हूं दिस, और इनकी फ्रीक्वेंसीज एफ आई जो कि ग्रुप ए के अकॉर्डिंग कितना है, 9, 17, 32, 33, 40 एंड सो ऑन. ये इसका समेशन भी मैं लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसीज का समेशन कितना आया, 150, ये सिग्मा एफ आई आया ग्रुप ए. अब आगे मैं क्या निकालता हूं, एक्स आई मिड वैल्यूज में निकाल देता हूं, क्योंकि मिड वैल्यूज मुझे चाहिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए. तो 10 + 20 कितना है, 30, 30 / 2 = 50, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन. बाकी सबकी एक्स आई मैं यहाँ पे निकाल. अगेन यहां पर अभी भी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अगेन पहले मैं आपको फॉर्मूला भी करा दूं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला h/n = σ f i u i, मैंने यहाँ शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन कम से आए. एन एन यहाँ पे कितना होगा, एन इज नथिंग बट ये एन है हमारा सिग्मा एफ आई, एफ आई बराबर एन है क्योंकि 1. नाउ स्टूडेंट ये एन आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, जैसे हम निकालते हैं एफ आई इंटू यू आई का होल स्क्वायर. तो उसके लिए यू आई पता लगाना होगा मुझे. यू आई के लिए मैं क्या करता हूँ, यू आई के लिए ए मानना पड़ेगा और साथ में एच भी मान. तो मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, मिड वैल्यू कोई 45, दिस मैं यहाँ पर दिस 45 को ए ले लेता हूँ. साथ ही क्लास साइज एच यहाँ पर कितना है, एच यहाँ पर है 10 का, तो वो 10 मैंने लिया है क्लास साइज. तो अगेन अब निकालता हूं मैं यू आई, पहला क्या है 15, 15 में से 45 को माइनस करूंगा -30 और -30 / 10 = -6. देन 25 - 45 कितना आएगा, -20 / 10 = -1 एंड सो ऑन. ये सारे हमारे यू आईज आ जाएंगे. अब क्या करेंगे हम, यू आई का स्क्वायर भी निकाल देते हैं क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी. तो 3 - 3 = 9 - 2 = 4 एंड सो ऑन, बाकी सारे स्क्वायर आ गए. अब आप एफ आई यू आई निकालिए, एफ आई यू आई यानी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज की उनके यू आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा. पहले अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं दिस 9 की 9 में, दिस इज 9 की यहां पर हमारी, ये यू आई के स्क्वायर में करा दी स्टूडेंट, दिस इज 9 की -3 में कराऊंगा -27, 17 की -2 में कराऊंगा -34 एंड सो ऑन. और अब इनका समेशन भी मैं ले लेता हूं, तो समेशन -6 आएगा. ये आया सिग्मा एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू आ गई. वैल्यू हमारी क्या मिल रही है, दिस वैल्यू सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू. नाउ स्टूडेंट अब मैं इसका एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई के स्क्वायर में भी कराता हूं. तो मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 की मल्टीप्लाई जब मैं 9 में कराऊंगा 81, देन 17 की मल्टीप्लाई 4 में कराऊंगा 68 एंड सो ऑन. ये मल्टीप्लाई कराई तो मुझे यहां पर सम आ गया और इनका सम कितना आएगा, 342. ये क्या आ रहा है, सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर. तो ये हम वैल्यूज, अब सारी की सारी वैल्यूज, ये किसकी वैल्यूज थी, दिस वैल्यू इज सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई. नाउ स्टूडेंट अब इन वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं. तो वैल्यूज को h की जगह 10, क्लास साइज n की जगह 150, सिग्मा एफ आई जो कि 150 एंड बाकी सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए. दिस वैल्यू n की 150 इंटू 348 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का कितना है, -6 इसका स्क्वायर. कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पर अंदर की तरफ कितना आ रहा है, 150 + 342 कितना आएगा, 51,300 - 36 एंड सो ऑन. दिस विल बी द कैलकुलेशन. और कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा, ये आपका आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, यानी 15.0.
आप स्टैंडर्ड डेविएशन से यहां पर मैं कह रहा हूं। अब ग्रुप बी का भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो उसके लिए हम टेबल अलग से बनाएंगे ग्रुप बी की। तो सी ये ग्रुप बी है, ग्रुप बी की मैं टेबल बनाता हूं। पहले उसके मार्क्स जो कि सेम रहेंगे क्लास हमारी, दिस ग्रुप बी मैं यहां लिख देता हूं, या इनके मार्क्स, देन नीचे टोटल, देन इनकी फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज बदल जाएंगी, ग्रुप बी वाली फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, और इनका सम भी 150 आ रहा है। अगेन यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, पहले एक्साई मिड वैल्यूज जो कि सेम आएंगी, जो कि हमने पहले निकाला था दिस। अब यहां यूआई लेंगे, यूआई मैं अगेन सेम तरीके से निकाल रहा हूं, मैं मिड वैल्यू को क्या, ए को क्या ले रहा हूं 45, एंड यहां पे एच को क्या ले रहा हूं 10, तो यहां पे यूआई भी सेम आ जाएगा जैसे हमने ऊपर निकाला। अब यहां पर यूआई का स्क्वायर भी निकाल दूंगा, वो भी सेम ऊपर वाली टेबल की तरह आ रहा है स्टूडेंट दिस। अब एफआई की मैं यूआई में मल्टीप्लाई कराता हूं, तो ये पहले 10 की -3 में -30, 20 की कितना -2 में कितना आ जाएगा -40, एंड सो ऑन, ये आपका आ जाएगा। और ये आपका क्या आया, दिस इज नथिंग बट सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। नाउ स्टूडेंट, अब एफ आई की यू आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा एफ आई यू आई का स्क्वायर से, ये कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे आप 10 की 9 में 90, देन 20 की 4 में कितना आएगा -80 प्लस का, 30 की 1 में कराएंगे प्लस का 30, एंड सो ऑन, ये बाकी सारे आ जाएंगे, और इनका समेशन जब मैं करूंगा 366। ये समेशन क्या बता रहा है स्टूडेंट, समेशन बता रहा है सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर, यानी यू आई स्क्वायर में एफ आई की मल्टीप्लाई। अब मैं इसके फॉर्मूले में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी जहां निकालूंगा, फॉर्मूला में पूरा लिख देता हूं दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी आएगा, इस सारी वैल्यूज आप लिख दीजिए दिस वैल्यूज, इसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट आप कर रहे हैं तो दिस वैल्यू विल बिकम लाइक दिस, एंड योर स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 15.61। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना रहा है 15.61, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना रहा है 15.09। तो यहां पर बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, बी का। तो सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, आप चाहें तो आप कोवेरियंस से भी बता सकते हैं, वहां भी बी का कोवेरियंस ज्यादा आएगा, वो ज्यादा बेटर है, कोवेरियंस से भी आप बता सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से मैंने यहाँ पे आपको बताया जो, तो यहाँ पे बी क्या होगा, ज्यादा वेरिएबल होगा क्योंकि वेरिएबिलिटी यहाँ पर